अब आता है टॉपिक नंबर बी, जो है लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो लैंड है वो एक मतलब कि उसकी ज्योग्राफी, सोसाइटी, कल्चर और उसके नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एजुकेशन, ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं। पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो, क्योंकि ये एक डाइवर्स कंट्री है जिसकी ज्योग्राफी का जो लैंडस्केप है वो माउंटेन रेंजेस पे डिपेंड करता है, मतलब इसके बहुत ज़्यादा माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं, प्लेन्स पाए जाते हैं, डेजर्ट्स और कुछ कोस्टल एरियाज जो हैं वो इसके अंदर हैं। सोसाइटी पाकिस्तान की कैसी है और इसकी कल्चर, इसका सोसाइटी जो है वो मुख्तलिफ या ये कहा जाए कि मल्टी कल्चरल कंट्री जो है वो पाकिस्तान है। इसमें बहुत ज़्यादा कल्चर की पीपल्स पाए जाते हैं जिनमें ओवरऑल कहा जाए तो 220 मिलियन की जो है वो इसकी पॉपुलेशन में कल्चर्स पाए जाते हैं। फिर है इसके नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में जो है वो पाकिस्तान के पास कोल, ऑयल, नेचुरल गैस और कुछ मिनरल्स हैं जिसमें से कॉपर, गोल्ड और आयरन है। और इसके बाद जो है एग्रीकल्चर को हमने बताना है। पाकिस्तान का जो है एग्रीकल्चर 40% वर्कफोर्स जो है वो इकॉनमी की एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है और इसकी कंट्रीब्यूशन ओवरऑल अगर कहा जाए तो 25% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर पे लगाई जाती है। फिर है इंडस्ट्रियल सिस्टम पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है जिसमें से टेक्सटाइल्स कंपनीज और टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज और इसके अलावा सीमेंट और केमिकल्स, कुछ मेजर केमिकल्स जो हैं वो इकोनॉमी के लिए कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर आता है आपका एजुकेशन। पाकिस्तान के एजुकेशन पे जो है पहले तो बहुत ज़्यादा कम काम हो रहा था, लेकिन अब जो है वो की प्रायोरिटी एवरी कंट्री के लिए एजुकेशन होती है। पाकिस्तान ने भी इसको की प्रायोरिटी बनाया है और गवर्नमेंट ने भी कुछ एफर्ट्स किए हैं जिसमें से जो है फ्री गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए गए हैं और इसके अलावा जो है वो बायोमेट्रिक सिस्टम भी रखा गया है और स्ट्रिक्टनेस भी की गई है एजुकेशन सिस्टम पर भी। और इसके अलावा जो है स्लोली ग्रेजुअली जो है वो लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर है सी पाकिस्तान एंड द चेंजिंग रीजनल सिनेरियोस। पाकिस्तान के जो है कुछ रीजनल सिनेरियोस चेंज हो रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो राइज ऑफ चाइना हो रहा है। चाइना जो है उस राइज हो रहा है और पाकिस्तान में भी जो है उसके बहुत ज़्यादा जैसे कि कॉमन प्रोजेक्ट जो है उसका चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको सीपेक हम कहते हैं। इसमें से इस प्रोजेक्ट में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है और पाकिस्तान की इकॉनमी और इसके अलावा जो है वो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स जिसको जो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो उसको कम करेगा। फिर आता है इवॉल्विंग रिलेशंस विद द यूएस। यूएस के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं उसकी टेंशन हैं जो है वो टाइम बींग के हिसाब से कम ज़्यादा जो है वो हो रहा है। जिस तरह जैसे जैसे लोगों को शऊर आता जा रहा है तो यूएस जो है वो 9/11 के वाक़े के बाद पाकिस्तान के जो हैं रिलेशंस यूएस के साथ थोड़े से कभी कभार कम भी हुए, मतलब कि सही भी हुए, कभी ख़राब भी हुए। और इसमें मेन जो रीज़न था वो अफ़गानिस्तान का जो था वो मेजर सोर्स थी जिसकी वजह से इनके रिलेशन जो है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं। कभी कभार कॉपरेशन के साथ इसकी मतलब कि कॉपरेशन के साथ पाकिस्तान उसके साथ यूएस के साथ रिलेशन ठीक भी करता है और कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स जो जिसमें काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज थी वो भी उनकी वजह से भी रिलेशन जो हैं वो ख़राब होते जाते हैं। बहरहाल शिफ्ट्स इन रीजनल पावर, रीजनल पावर्स में भी शिफ्ट आते गए जिसमें जो है वो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ। अभी जिस तरह से जो है वो इंडिया जो है वो राइज कर रहा है एज अ रीजनल पावर और जो चाइना जो है वो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसका ओवरऑल वर्ल्ड में अगर कहा जाए कि वो इकोनॉमिक पावर भी हो रहा है और वो वर्ल्ड की जो डायनेमिक्स हैं वो चेंज हो रही हैं, तो इसमें पाकिस्तान के लिए भी एक है शिफ्ट लेना उसको चाहिए कि वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर जो है अपनी डेवलपमेंट पे जो है वो गौर करें और उस पर काम करें। फिर आती है कि रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान को किस तरह से इफेक्ट कर
जिसमें से सबसे पहला जो इम्पैक्ट है सिक्योरिटी चैलेंजेस में पाकिस्तान को टेररिज्म और इंसर्जेंसी इन इट्स वेस्टर्न प्रोविंसेस जो हैं उनकी तरफ से हुई, और क्रॉस बॉर्डर टेंशन जो हैं वो इंडिया के साथ जो हैं, ये सारी रीजनल चैलेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी हैं। अब आता है टॉपिक नंबर डी जो है पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल कंसर्न्स। पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो 1970s में जो है इनिशिएट हुआ, जो भुट्टो के दौर में हुआ था। ये जो है वो जब इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया तब पाकिस्तान ने जो है वो अपना न्यूक्लियर जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें फेमस जो है वो भुट्टो का जो कोट है वो ये है कि वी ईट ग्रास बट वी मेक अ बॉम्ब, मतलब कि हम घास खाएंगे लेकिन बॉम्ब ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो जो जो हमारा दुश्मन मुल्क था उसके पास न्यूक्लियर आ चुका था, तो हमें भी अपने लिए बनाना था। फिर पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल्स जो हैं वो जो 165 न्यूक्लियर वार हेड्स पाकिस्तान ने बनाए हैं, और ये 6th लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर जो है वो वर्ल्ड में कहा जाता है। फिर है इंटरनेशनल कंसर्न्स जो थे वो पाकिस्तान के लिए मतलब कि कौन से थे या कौन से कॉजेज थे। सबसे पहला जो इंटरनेशनल कंसर्न बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए था, पर्टिकुलरली इंडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो अपनी फर्स्ट यूज़ पॉलिसी जो है वो बनाई है कि अगर हमें कोई भी थ्रेट फील होगा तो हमने फर्स्टली जो है न्यूक्लियर को यूज़ करना है। तो न्यूक्लियर के थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तभी उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया जो है वो इस इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इसके बारे में कंसर्न है कि ये नुकसान ना हो। सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी कंसर्न्स के बारे में पाकिस्तान ने जो है वो अपने दिखाया है कि न्यूक्लियर जो है हमारा बिल्कुल ही सिक्योर जगह पर हमने इसको रखा है, और इसकी किस तरह से इसको सेफगार्ड कर रहे हैं हम, ये भी चीज़ें जो है वो हम इंटरनेशनली दिखाई है। फिर आती है इंटरनेशनल सैंक्शंस। इंटरनेशनल सैंक्शंस जो हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम की, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ को जो है वो जिसमें से यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान पे सैंक्शंस इम्पोज की हैं, क्योंकि ये जो है वो कोई मतलब कि फर्स्ट यूज़ पॉलिसी तो वैसे भी पाकिस्तान की है, तो सैंक्शंस लगाने की वजह से पाकिस्तान जो है वो मतलब कि वर्ल्ड जो है थोड़ा सा सिक्योर रहेगा कि पाकिस्तान जो है वो यूज़ ना करे इसको न्यूक्लियर को। फिर आता है टॉपिक नंबर ई रीजनल कॉपरेशन। रीजनल कॉपरेशंस में जिसमें से ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो, और इसके अलावा जो पाकिस्तान का रोल इनमें क्या था वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है सार्क। सार्क जिसको साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म ये है। पाकिस्तान ने जो है वो मतलब पाकिस्तान जो है वो 8th नंबर पे आता है जिसने सार्क को ज्वाइन किया। इसके अलावा जो है वो सार्क 1985 में जो है इस्टेब्लिश हुई थी, जिसका एम था कि रीजन में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जो है वो प्रिवेल करनी है या प्रमोट करनी है। इसके बाद सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसको हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये जो है पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, विच वाज आल्सो इस्टेब्लिश इन 1985। ये भी 1985 में इस्टेब्लिश हुई थी, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन के लिए जो है वो ये बनाई गई थी, जो मतलब कि ये ओवरऑल जो है वो मिडिल ईस्ट से सेंट्रल एशिया में स्पेन हुई थी। फिर आती है लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये पाकिस्तान जो है इसका फुली मेंबर है, और 2017 में जो है वो पाकिस्तान इसका फुली मेंबर हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि ये सबसे पहले किसी भी कंट्री को अगर अपना मेंबर बनाती है तो इसको ऑब्जर्वेशन जोन में रखती है कि ये जो है कंट्री अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सेट करती है नहीं करती, या अकॉर्डिंग टू उनके कुछ कंडीशंस के हिसाब से नहीं चलती, तो ये ऑब्जर्वेशन के बाद ही उनको इंटर करते हैं। तो पाकिस्तान भी जो है वो इस ऑब्जर्वेशन पीरियड में था, लेकिन फिर उसको जो है वो ओवरऑल इसको फुली मेंबर बना दिया गया। ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो
बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन करके और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं रीजन में उनको सॉर्ट आउट करती हैं, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हों या सोशल या कोई भी और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स के प्रॉब्लम्स हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और जो इसमें जो पाकिस्तान का रोल है, वो पाकिस्तान फुली इन ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो कोऑपरेट करता है, और जो भी इनको पाकिस्तान को जो भी चीज़ें या फॉर एग्जांपल अगर कोई टास्क दिए जाते हैं तो वो उनको फिलअप करने की कोशिश करता है और कामयाब भी होता है। फिर है नेक्स्ट टॉपिक हमारा टॉपिक नंबर एफ, जो है सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन से जो है वो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं, पाकिस्तान को फेस करने पड़ते हैं, और क्या उसकी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले जो है पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हैं उसने फेस किए हैं या कर भी रहा है अभी, जिसमें से सबसे पहला जो चैलेंज पाकिस्तान को आया है वो है पॉवर्टी। पॉवर्टी जो है वो बहुत बड़ा थ्रेट है किसी भी कंट्री के लिए, उसके डाउनफॉल के लिए भी। इसके बाद जो है पॉवर्टी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज में जो है हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन जो बेसिक नीड है हर शहरी की, तो ये जो है वो पाकिस्तान में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं इसके साथ साथ, जिसमें से जो है वो फ़ायदा उठाकर हम जो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं इंडिविजुअली चैलेंजेस को भी अलग से और अपॉर्चुनिटीज़ को भी। चैलेंजेस में से जो पॉवर्टी का चैलेंज है, पाकिस्तान जो है ओवरऑल 24% पॉपुलेशन उसकी जो है लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के बिलो वो जो है वो सफ़र करती है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो है प्रॉब्लम या चैलेंज जो कहा जाए, वो यंग पीपल में जो है वो अपनी एजुकेशन पूरी करके फिर कुछ प्रॉब्लम्स जिस तरह से कोई एक्सपीरियंस मांगता है, तो एजुकेशन के बाद इतनी जल्दी एक्सपीरियंस का जो है वो नहीं हो पाता। तो प्राइवेट सेक्टर में फिर जो है वो यंग पीपल जो है वो अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं, फिर जब तक वो पहुँचे फिर जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उनका भी जो क्राइटेरिया है वो 30 से अबव या 35 से अबव जो है वो फिर नहीं मिलता। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं जिनमें से एम्प्लॉयमेंट के जो बेसिक या क्राइटेरियाज़ को जो है वो यंग पीपल्स पहुँच नहीं पाते। ठीक है, फिर है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में पाकिस्तान हैज़ हाई लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी विथ वेल्थ कंसंट्रेटेड इन दी हैंड्स ऑफ अ स्मॉल एलाइट। तो इन वेल्थ इनकम इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी फॉर एग्ज़ाम्पल जो है रूरल एरियाज़ में बहुत ही कम इस पर काम हुआ है, और जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होता है। तो कुछ चैलेंजेस भी जो हैं तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ हैं। अपॉर्चुनिटीज़ में जो है वो पाकिस्तान किन चीज़ों से फ़ायदा उठाकर अपना जो है वो चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है, जिसमें सबसे पहला जो है ह्यूमन कैपिटल। पाकिस्तान के पास जो है वो ह्यूमन कैपिटल की जो है एक नेमत कहें तो मौजूद है। तो ह्यूमन जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें हाई रेट में है, तो उनको यूज़ करके एम्प्लॉयमेंट जो है जहाँ पे कमी हो रही है या जहाँ पे कोई काम कम हो रहा है, तो जिस तरह से चाइना और इंडिया ने अपनी जो पॉपुलेशन है उनको काम पे लगाकर और अपने जो हैं वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको डिक्रीज़ किया है, और बहुत ज़्यादा जो इनके प्रोग्राम्स हैं या जिस तरह से फैक्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जहाँ पे कमी है, तो वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल को यूज़ किया जा सकता है। ह्यूमन पोटेंशियल को मतलब कि एज अ जो ग्रोइंग फोर्स है उस तरह से उनको लगाया जा सकता है। फिर है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। पाकिस्तान के पास जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसमें साउथ एशिया, पाकिस्तान जो है वो क्रॉस रोड पे है साउथ एशिया के, सेंट्रल एशिया के और मिडिल ईस्ट के। तो पाकिस्तान जो है वो इम्पॉर्टेंट हब ट्रेड और कॉमर्स के लिए बन सकता है। तो ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाते हुए मतलब कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट एज वेल एज उसकी जो ह्यूमन कैपिटल है उनको भी काम इस पर करना है। फिर है मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करना है।
फिर है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में पाकिस्तान के पास कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस और उसके जो मिनरल्स हैं जिसमें से कॉपर और गोल्ड है, तो इस इन सोर्सेज को भी यूज़ करके ट्रेड में या फिर अपने ही मुल्क के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो इन चीज़ों को यूज़ करके हम अपना काम कर सकते हैं। तो इनके थ्रू हम लोन्स और दूसरी चीज़ों से भी बच सकते हैं। फिर है डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। पाकिस्तान जो है वो एक लार्ज और ग्रोइंग यूथ पॉपुलेशन है जो रिप्रेजेंट करता है डेमोग्राफिक डिवाइडेंड को। अब है टॉपिक नंबर जी, नेशनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। नेशनल सिक्योरिटी के कौन कौन से जो डायनेमिक्स हैं और इन डायनेमिक्स में कौन से चैलेंजेस पाकिस्तान को फेस करने पड़े। सबसे पहला जो है वो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म है। टेररिज्म जो है वो इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली पाकिस्तान को जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए जो है नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट इसकी वजह से हुआ, और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा वायलेंस जो है वो फैला और इंस्टेबिलिटी जो है कंट्री में मतलब ओवरऑल फैल गई, जिसमें इंटरनल पीस भी जो है वो बहुत बुरी तरह से थ्रेटन हुआ। और अभी तक जो है वो टेररिज्म के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान जो है फेस कर रहा है। सेकंड नंबर पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में जो पाकिस्तान को फेस करने पड़े हैं, सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है बलूचिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें सेपरेटिस्ट ग्रुप्स बन गए हैं और बहुत ज़्यादा जो कंट्री की जो ऑटोनमी है उन्होंने जो है वो सीख की हुई है, उन्होंने कब्जा किया, और इसके अलावा जो है इसकी इंडिपेंडेंस पे जी और ओवरऑल जो है डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। इसके बाद जो है इंडिया पाकिस्तान की रिवाइलरी। इंडिया पाकिस्तान की रिवाइलरी में सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट या सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट है इन दोनों में जो है वो कश्मीर का जो रीजन है उस पे है, और इसके अलावा जो है वो 1965 की वॉर और दूसरी जो छोटी मोटी वॉर्स थी जो इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान हुई, ये भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और मुख्तलिफ डायमेंशंस में डायनेमिक्स जो हैं इसके पाकिस्तान को जो है वो फेस करने पड़े। फिर आता है अफगान कॉन्फ्लिक्ट। 9/11 के वाक़े के बाद जो है वो अफगान का कॉन्फ्लिक्ट की जो इफ़ेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान को फेस करनी पड़ी हैं, जिसमें से जो है वो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का जो है कंट्री का टोटली जो पाकिस्तान का पीस था वो अफेक्ट हुआ है। और अभी तक भी जो जिसमें से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और जो मूवमेंट्स रेफ्यूजीज की है उनके भी जो है वो पाकिस्तान को ये चीज़ें भी जो है चैलेंज में आती हैं, तो जो फेस करनी पड़ी है। फिर है नेशनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। इसमें से जो है लास्ट चैलेंज जो है वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का है। तो जिस तरह से न्यूक्लियर जो है वो एज ए प्राइड का भी सोर्स है, लेकिन उसके दूसरे साइड जिस तरह से कहते हैं एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है। तो उसमें जो है वो पाकिस्तान को कुछ कंसर्न्स भी जो हैं वो भी फेस करने पड़े न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की वजह से, न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, जिसमें से उस पर सैंक्शंस और दूसरी चीज़ें जो है वो इम्पोज की गई। फिर आता है टॉपिक नंबर एच जो है पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड नेशंस। इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशंस हैं और क्या जो है वो इन दोनों ने एक दूसरे के लिए रोल प्ले किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के लिए, वो देखते हैं। पाकिस्तान जो है वो बहुत ही ज़्यादा अरसे से ही जब से पाकिस्तान बना है तब से यूनाइटेड नेशंस के साथ पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं बहुत ज़्यादा जो है अच्छे हैं। और यूनाइटेड नेशंस ने भी जिस तरह से पीस कीपिंग हो गई, ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है वो मुख्तलिफ डायमेंशन में यूनाइटेड नेशंस जो है वो काम करता है, तो वो पाकिस्तान के लिए भी उसने बहुत ज़्यादा जो है उसका साथ दिया है। जिसमें से अगर फर्स्टली मेंबरशिप देखें कि कब पाकिस्तान जो है वो इसका मेंबर बना, जैसे ही पाकिस्तान जो है वो मतलब कि पाकिस्तान बना उसी सितंबर 30, 1947 में पाकिस्तान ने जो है वो यूएन को ज्वाइन किया। और इसके अलावा जो है ब्रिटिश रूल में से जैसे ही वो इंडिपेंडेंस में आया तो उसने ज्वाइन कर लिया। तो द मेंबरशिप मार्क द बिगनिंग ऑफ पाकिस्तान एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल अफेयर्स। तो पाकिस्तान ने जो है शुरू में ही जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन दिखा दी।
इसके बाद आता है पीस कीपिंग ऑपरेशंस। पीस कीपिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस दी, जिसमें से पाकिस्तान ने जो है बहुत ज़्यादा, जिसमें वेरियस मिशन, जिसमें से कॉन्गो, लिब्रिया, सोमालिया, सीरिया लियोन, और बहुत ज़्यादा रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट जिसमें कहा जाए साउथ सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में पीस कायम करने के लिए पाकिस्तान ने जो है वो प्रोफेशनलिज्म और इफ़ेक्टिव मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी के लिए यूएन का जो है वो साथ दिया। फिर आता है की रोल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। की रोल्स में से जो सबसे पहला रोल है सिक्योरिटी काउंसिल का, पाकिस्तान हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेवरल टाइम्स। बहुत सारे, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम्स में इसको नॉन परमानेंट मेंबर का मतलब कि किया गया है, लेकिन विद इट्स मोस्ट रिसेंट टर्म बीइंग फ्रॉम 2012 टू 2013, ड्यूरिंग इट्स टर्म्स पाकिस्तान हैज़ फोकस ऑन इश्यूज सच एज काउंटर टेररिज्म, डिसआर्ममेंट एंड रिजोल्यूशन ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो पाकिस्तान ने जो है उसकी जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने की कोशिश की है और उस पर फोकस करने की कोशिश की है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी उसको जो है वो जगह देने की कोशिश है यूएन की, ठीक है। फिर आता है ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट। पाकिस्तान एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन वेरियस यूएन बॉडीज डेडिकेटेड टू ह्यूमन राइट्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सच एज ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड कमीशन ऑफ ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इट एडवोकेट्स फॉर इश्यूज लाइक वुमेन राइट्स, पॉवर्टी एलिविएशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूएन की कुछ जो हैं कंडीशंस दी जाती हैं या कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी कोई भी कंट्री हो उसको अपना जो है किन चीज़ों पर जो है वो फोकस करना होता है और अपनी कंट्री को जो है वो डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ें, मतलब कि कुछ जो टारगेट्स या टास्क हैं वो दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान को भी जो जो टास्क दिए गए हैं वो उन पर फोकस भी कर रहा है और स्लोली ग्रेजुअली उनको जो है वो अचीव भी करने की कोशिश कर रहा है। फिर आता है यूएन इनिशिएटिव्स एंड कन्वेंशंस। यूएन के कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें से कुछ कन्वेंशंस और कुछ मतलब ट्रीटीज़ जो हैं वो यूएन साइन करवाता है कंट्रीज़ से, जिसमें से जो सबसे पहला जो है वो क्लाइमेट चेंज है जो पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है। फिर है रेफ्यूजीज 1951 के रेफ्यूजीज कन्वेंशन जो हुई, और इसके बाद है चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, और द कंट्री ऑल्सो प्लेज अ रोल इन ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव्स पार्टिसिपेटिंग इन एफर्ट्स लेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसको हम कहते हैं, और द यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड जो है इसके कुछ इनिशिएटिव जो हैं वो भी लेता है। फिर आते हैं रीजनल एंड ग्लोबल डिप्लोमेसीज। इसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने जो है वो कौन कौन से यूएन के साथ मिलकर जो है वो अपना वर्ल्ड में क्या किरदार अदा किया। सबसे पहले कश्मीर इशू पे जो है वो पाकिस्तान हमेशा से बात करता आ रहा है। सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंगेजमेंट विद द यूएन, जिसमें पाकिस्तान ने जो है वो कश्मीर के डिस्प्यूट पे बहुत बार बात की है, और रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं इमरान खान, उन्होंने भी जो है वो यूएन के फोरम पर ये इशू जो है वो बहुत ज़्यादा रेस किया। एडवोकेट फॉर ऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी जो है उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवाने की कोशिश की। दैट कॉल फॉर अ प्लेबिसाइट टू डिटरमाइन द विल ऑफ द कश्मीरी पीपल, ये एक प्लेबिसाइट भी उन्होंने करने की जो है वो अपनी एफर्ट्स वहाँ पे एज अ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके दिलवाई। फिर है ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, जिसमें पाकिस्तान ने अपना रोल यूएन के साथ जो है वो प्ले किया। पाकिस्तान कोलैबोरेट्स विद द यूएन इन एड्रेसिंग ग्लोबल टेररिज्म, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेरियस यूएन इनिशिएटिव्स एम्ड एट कम्बैटिंग टेररिज्म, फाइनेंसिंग एंड एनहेंसिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म मेजर्स। पाकिस्तान ने भी जो है वो अपनी फोर्सेस भेजी और टेररिज्म को जो है वो काउंटर करने की कोशिश की, और बहुत हद तक अब टेररिज्म जो है वो काउंटर हो चुका है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो यूएन किस हर कंट्री को देता है कि वो अपनी डेवलपमेंट में काम करें।
Pakistan is committed to the UN's 2030 Agenda for Sustainable Development. The country is working towards achieving the Sustainable Goal Development, जिसमें जो है education, जो basic needs होते हैं किसी भी country की development की, जिसमें उसने पाकिस्तान को एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमिक ग्रोथ और क्लाइमेट एक्शन पे जो है वो कुछ दिए हैं टास्क की वो अपने कंप्लीट करें। फिर आता है चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म। कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स हैं। ह्यूमन राइट कंसर्न में जो है यूएन ने अगर इस पर क्रिटिसिज्म किया जाए तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ को फेस करता आ रहा है और इसमें से जो है उसके कुछ बॉर्डर इश्यूज़ भी हैं, जिसमें से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो पाकिस्तान में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ और वुमेंस राइट्स, जो कुछ कबायली, कुछ ट्रेडिशनली और कुछ ऐसी जो हैं वुमेंस के साथ कुछ जो है एजुकेशन उनको नहीं दी जाती, बहुत ज़्यादा मतलब रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ राइट्स हैं जिसमें इंटरनेशनली पाकिस्तान को जो है वो यूएन बॉडीज़ भी बोलती हैं कि इन राइट्स को जो है आप इम्प्रूव करें, अपना ह्यूमन राइट रिकॉर्ड जो है वो इम्प्रूव करें। फिर है डेवलपमेंट में गवर्नेंस के कुछ इश्यूज, जिसमें से पॉवर्टी, करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गवर्नेंस के कुछ इनएडिकेट हैम्पर्स जो हैं वो पाकिस्तान की प्रोग्रेस को प्रॉब्लम में डालती हैं और प्रोग्रेस को लो करती हैं। तो ये कुछ एसडीजीज रूल्स जो पाकिस्तान को दिए गए हैं, तो वो इस पर फोकस कर भी रहा है और उसका गोल भी है कि 2030 तक वो अपना जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व कर लेगा। एट द एंड कंक्लूजन, पाकिस्तान का जो यूएन के साथ रिलेशनशिप है इज कैरेक्टराइज बाय एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेशली इन पीस मेकिंग कीपिंग एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी। While the country faces internal challenges, its role in the UN continues to be influential in shaping international policies and contributing to global peace and development initiatives. तो ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो यूएन के साथ पार्टिसिपेशन में एक तो एक्टिव है और जो जो उसको पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है तो वो उस पर भी अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करता है और वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल पीस और डेवलपमेंट की इनिशिएटिव्स में। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, आज हमारा टॉपिक नंबर जो है वो IJ उनके आज हमने डिस्कस करना है। जो सबसे पहला आपका जो टॉपिक है आई, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें है कि पाकिस्तान एंड इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन, ग्रोइंग एक्सट्रीमिज्म और मिलिटेंसी और वॉर ऑन टेरर। पाकिस्तान जो है वो हर जगह जो है वो अपना रोल प्ले करता है। तो पाकिस्तान प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एड्रेसिंग सेवरल इम्पॉर्टेंट ग्लोबल इश्यूज, जिसमें पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, ग्रोइंग एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी और वॉर ऑन टेरर जो है इस पर जो है पाकिस्तान ने भी काम किया है इन चीज़ों पर। और फर्स्टली जो है फेस भी पाकिस्तान को ही करनी पड़ी, क्योंकि वो जो है वो जहाँ से टेरर स्टार्ट हुआ था वहीं पर से, मतलब कि अफगानिस्तान के साथ ही नेबर्स हैं। सबसे पहले पैलेस्टाइन इशू, पाकिस्तान ने जो है वो पैलेस्टाइनियन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, सेल्फ डिटर्मिनेशन और कुछ मतलब कि दूसरी चीज़ें, जैसे कि पैलेस्टाइनियन को जो है वो इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, उनको एज ए स्टेट जो है उनके राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए। फिर आता है कि पाकिस्तान ने जो है बहुत ज़्यादा इनके लिए जो फ्रीक्वेंटली जो भी इश्यूज हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे भी रेस किए हैं कि पैलेस्टाइन, और जिस तरह से जो हमने पिछली वीडियो में कश्मीर का भी डिस्कस किया था, यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान पैलेस्टाइन के लिए बात करता है। और इसके बाद जो है मतलब कि इजरायली ऑक्यूपेशन के बारे में भी वो बार बार रिमाइंड जो है वो करवाता रहता है यूनाइटेड नेशंस को, और जो है ताकि मतलब कि पैलेस्टाइनियन को भी पीस, उनके यहाँ पीस इस्टेब्लिश हो। और जो भी इनकी 1967 से लेकर बॉर्डर के प्री बॉर्डर्स के इश्यूज चल रहे हैं, इन पर भी ये जो है पाकिस्तान जो है उन पर बात करता रहता है। मतलब कि पाकिस्तान ये नहीं कहता कि सिर्फ जो है मुसलमानों पर, ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस में जो है तकरीबन दो बहुत ज़्यादा जो इश्यूज होते हैं कंट्रीज़ के, जहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है,
तो वो सारे जो है वो सॉर्ट आउट किए जाते हैं। लेकिन जब भी पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान की बात नहीं करें, जब भी कश्मीर डिस्प्यूट और पैलेस्टाइन इशू की बात होती है तो यूनाइटेड नेशंस को यहाँ पे जो है वो ह्यूमन राइट्स नज़र नहीं आते, बस वो सिर्फ बातें करके और जिस तरह से टाल मटोल की जाती है तो ये इन चीज़ों पे बात नहीं करते। ये भी इनके पीछे भी उनके कुछ रीजंस हैं कि फॉर एग्जाम्पल मतलब कि इसराइल जो है वो बहुत ज़्यादा जो हथियार जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स को प्रोवाइड करता है, और यूनाइटेड स्टेट जो है वो लोन्स और दूसरी जो भी इन्वेस्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि फंड्स देते हैं। तो उन्हीं की वजह से जो है वो अपने अपने जो है इस इंटरेस्ट को देखकर वो इन दो जो इश्यूज हैं उन पे बात नहीं करते। फिर है ग्रोइंग एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी। एक्सट्रीमिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर और जो भी मिलिटेंसी है वो बढ़ जाने पर पाकिस्तान क्या करता है वो देखते हैं। एक्सट्रीमिज्म जो है वो बढ़ जाने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाने पर पाकिस्तान जो है वो अपनी मिलिट्री जो है वो बॉर्डर्स पे बढ़ा देता है ताकि वो उसकी सेफ्टी हो, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो उसकी सिक्योरिटी ही है। फिर जो है पाकिस्तान जो है दोनों चीज़ें बन जाता है, कभी वो विक्टम बन जाता है और कभी वो बैटल ग्राउंड पे एक्सट्रीमिज्म ग्रुप्स का मतलब शिकार भी हो जाता है। पाकिस्तान ने जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की हैं जिसमें से मिलिट्री ऑपरेशंस भी चलाई हैं ताकि वो एक्सट्रीमिज्म और इन चीज़ों पर काबू पाया जाए, और इसके बाद जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ भी की है और रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स भी बनाए हैं ताकि रिहैबिलिटेटिंग फॉर्मर मिलिटेंट्स प्रोग्राम्स भी बनाए ताकि जो ओवरऑल जो है पाकिस्तान ओवरऑल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाह रहा है, क्योंकि वो मुसलसल प्रॉब्लम से लड़ता आ रहा है तो उसको सोल्यूशन भी जो है वो अपना खुद ही निकाल लेता है। फिर आता है एट द एंड अकॉर्डिंग टू योर सेलेबस वॉर ऑन टेरर। वॉर ऑन टेरर को भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा 2001 से लेकर फेस किया है, जिसमें से पाकिस्तान इज़ अ वाइटल एलाय इन दी ग्लोबल वॉर ऑन टेरर। वो पाइवोटल एलाय था कि उसको ज़बरदस्ती भेजा गया था कि वो लड़े बाकायदगी से किसी की तरफ से। इट हैज़ अ कोलेबरेटेड विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर नेशंस टू टारगेट टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अलकायदा और तालिबान जो है वो उन्होंने टारगेट किया था। दिस कॉपरेशन हैज़ इन्वॉल्व मिलिटेंसी ऑपरेशंस जो पाकिस्तान को करनी पड़ी, ड्रोन स्ट्राइक्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो सारी इन्वॉल्वमेंट इनकी भी करनी पड़ी। ऑल्दो इट ऑल्सो लेड टू इंटरनल स्ट्राइव एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो पाकिस्तान को भी जो है वॉर ऑन टेरर की वजह से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं वो फेस करने पड़े, कि मतलब अपनी ही कंट्री को सारा जो है वो थ्रेट में डालना पड़ा। थ्रू इट्स इंगेजमेंट विद दीज इश्यूज पाकिस्तान रिमेन्स अ की प्लेयर ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। तो इससे जो है पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा साल लड़ के भी इंटरनेशनली अपना स्टेज जो है कि मतलब वाहिद मुल्क था जो जिसने इन खतरों को जो है वो कम्प्लीटली उनसे लड़ा और कामयाबी हासिल की। फिर स्ट्राइविंग टू कंटिन्यू टू ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी वाइल एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स डोमेस्टिक एंड रीजनल चैलेंजेस। पाकिस्तान ने जो है वो एक बहुत ही जो वॉर ऑन टेरर की वजह से जो 16 दिसंबर का वाकया था जो APS पे हुआ था, तो वो भी जो है इन्हीं चीज़ों की वजह से पाकिस्तान को जो है वो फेस करना पड़ा था। फिर आता है हमारा टॉपिक नंबर J कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्या है, उसको डिस्कस करते हैं अभी। तो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है वो जो है हम डिस्कस करते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना वो थोड़ा सा देर से बना, क्योंकि मैंने पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है उसे फेस करनी पड़ी थी और थोड़ी सी सुस्ती भी जो है इसकी वजह है। 1956 में जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 4 सालों के बाद, कंट्री के बनने के बाद इंडिपेंडेंस ब्रिटिश कॉलोनियल से जैसे हुई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1956 का बना। उसके बाद जो है पाकिस्तान को जो है एज इस्लामिक रिपब्लिक
ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से कहते हैं कि वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट उसकी मतलब बनी, जिसमें जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कंट्री का हेड होगा और गवर्नमेंट का हेड होगा, और प्रेसिडेंट जो है वो सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट कहा जाएगा। इसके बाद जो है थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बना जो 1973 में अडॉप्ट किया गया, और उसके कुछ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी है जिसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स भी की गई थी, और इसमें जो है पॉलिटिकल फैक्टर्स भी जो हैं कुछ डाले गए हैं, और उसी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस भी हुए जो हम आप दूसरी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप वो देख लें अगर आपने नहीं देखी तो। और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो है हमारी, फिर आता है हमारा टॉपिक लास्ट जो हमने आज वीडियो में इसमें डिस्कस करना है, वो है टॉपिक नंबर के पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस। पॉलिटिकल एवोल्यूशन जो पाकिस्तान की हुई उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें से जो है कुछ जैसे कि हमने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी फेस की, अब जो है वो कैसे फेस की तो वो थोड़ा सा देखते हैं। पॉलिटिकल एवोल्यूशन पाकिस्तान की जो है 1971 से लेकर हमने डिस्कस करनी है, जिसमें जो है वो सारी सीरीज चलती हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो है बहुत ज़्यादा इवेंट्स हुए और डेवलपमेंट्स भी हुई स्टार्टिंग में 1971 से, और इसके बाद जो है पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो चेंज, अप्स एंड डाउन जो है वो भी आते गए। भुट्टो के टेन्योर को हम देखते हैं, भुट्टो के टेन्योर में उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए, जिसमें वो जो थे ह्यूमन राइट्स को ही अगर कहा जाए तो वो नेशनलाइजेशन को जो है वो प्रिवेल कर रहे थे, और उसके उनके की फैक्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा की फैक्टर्स भी थे, जिसमें से वो इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे, और इसके अलावा जो है अडॉप्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो उन्होंने स्टार्ट की। तो भुट्टो के टेन्योर में बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई, जिसमें जो है उन्होंने जिस तरह से अगर न्यूक्लियर का भी कहा जाए तो भुट्टो ने ही कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम बॉम्ब बनाएंगे, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी का जो है वो हमें थ्रेट है। तो बहुत ज़्यादा जो है रिफॉर्म्स इस दौर में भी आई, और 1977 से जस तरह से जनरल ज़ियाउल हक ने भी जब उनको जब वो पावर में आए मिलिट्री को के ज़रिए, तो उन्होंने भुट्टो को हटा दिया और भुट्टो से जो है वो पावर जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया। तो ये जो कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कि ये जो भी मिलिट्री कोप्स थे वो अपने पावर जो है वो अपने पास करके, और दूसरों से जैसे सिविलियन गवर्नमेंट थी वो उनको पावर से हटा देते थे। और 1999 में जब जनरल मुशर्रफ ने पावर जो है वो अपनी तरफ किया और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर से पावर जो है अपने पास कर लिया, तो ये जो पॉलिटिकल इवोल्यूशन है 1971 से लेकर जो जो भी मिलिटेंट ग्रुप्स जो है मतलब कि मिलिटेंसी जो है ग्रुप वो अपने पास पावर कर लेते हैं और जो मुल्क की बागडोर वो संभाल लेते हैं। तो जैसे पहले भी मैंने वीडियो में कहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं मतलब कि पॉलिटिक्स जो है वो मिलिट्री का काम नहीं है, वो उनका काम सिर्फ डिफेंस करना है तो वो डिफेंस की तरफ जाएं, बाकी जो है मतलब कि जिनको पता है कि पॉलिटिक्स कैसे करनी है और पॉलिटिकल इश्यूज किस तरह से रिजॉल्व करने हैं तो वो उन पे ध्यान दें। सो ये जो हिस्ट्री थी इसमें सिर्फ फैक्टर मेन यही था कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो क्यों प्रॉब्लम या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्यों हुई, बस ये जो कुछ टेन्योर्स जिसमें से जनरल जियाल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ और अयूब खान इन्होंने जो सीरीज अपनी स्टार्ट की, तो उनकी प्रॉब्लम्स की वजह से जो है पॉलिटिक्स जो है ओवरऑल अप्स एंड डाउन्स का शिकार है। ये हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम डियर पेरेंट्स, आज हमारा टॉपिक नंबर L है और M और N तीनों जो हैं हमें आज डिस्कस करने हैं, जिसमें फर्स्ट जो है आपका फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, और इसके जो भी नेबर्स हैं उसके सुपर पावर्स हैं, और इस्लामिक ब्लॉक और यूरोपियन यूनियन जो है थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले जो है फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या ओवरऑल मुल्क की फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, क्यों होती है।
फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक मयार होता है किसी भी कंट्री का, कि मतलब कि वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट जो है वो किस तरह से फुलफिल करती है, या अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखकर अपने कुछ इनिशिएटिव्स लेती है और कुछ चीज़ें जो है मतलब कि पॉलिसीज़ जो है उसकी उस हिसाब से बनती हैं, या फिर जो मामलात वो फॉरेन कंट्रीज से करते हैं वो उसको मतलब कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए मामलात करते हैं, तो वो हमारी जो है वो ओवरऑल जो है वो फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक मतलब कि मुख्तलिफ फैक्टर्स पे मतलब कि रेंज ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड की गई है या शेप की गई है, जिसमें से सबसे पहले जो है उसके जो नेबर्स के साथ रिलेशनशिप हैं वो भी अच्छे होंगे, क्योंकि हम मतलब कि पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक रिपब्लिक है, तो वो जो है इस्लाम के हिसाब से भी सोचता है और जो है अपने जो भी नेशनल इंटरेस्ट है उसको लेकर भी देखता है, मतलब उसकी सिक्योरिटी की भी उसे कुछ थ्रेट्स होते हैं तो उसका भी माइंड सेट रख के, और इसके अलावा जो है उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी ऐसी है कि वो एक क्रॉस रोड पे है साउथ एशिया के, सेंट्रल एशिया के और मिडिल ईस्ट के, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है एक मतलब कि पाकिस्तान जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है, उसको बनाता है इस हिसाब से इन चीज़ों को माइंड सेट रख के। तो पाकिस्तान जो है इसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, उसने इस्लामिक वर्ल्ड में देखा जाए तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं फॉर एग्जांपल कि जिसमें पैलेस्टाइन इशू भी आ गया, कश्मीर इशू आ गया और दूसरे भी कुछ इशूज़ हैं, तो उसमें जो है वो अपना रोल प्ले करता है, जो भी वो इनिशिएटिव्स ले सकता है, जो भी मतलब कि आवाज़ उनकी तरफ से एज अ सपोर्टर, एज अ वोकल सपोर्टर जो है मुस्लिम वर्ल्ड का, वर्ल्ड वाइड का जो पाकिस्तान जो है वो अपना रोल वहाँ पे प्ले करता है। फिर है द कंट्री इज़ अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, OIC का भी मेंबर है, और वहाँ पर भी जो भी अगर प्रॉब्लम्स मुस्लिम वर्ल्ड में आती हैं तो पाकिस्तान वहाँ पे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, एंड हैज़ वर्क टू प्रमोट इस्लामिक यूनिटी एंड कॉपरेशन ऑन इश्यूज़, जिस जो इश्यूज़ मैंने बताया कि पैलेस्टाइन इशू और जो मेन इश्यूज़ है वॉर ऑन टेरर भी, ठीक है। यूरोपियन यूनियन और इनमें भी जो है वो पाकिस्तान जितना कर सकता है वो अपना रोल जो है वो प्ले करता है इसमें। फिर आता है हमारा टॉपिक नंबर M, ये अकॉर्डिंग टू ये सिलेबस है तो तभी मैं इनके ऐसे नाम आपको बता रही हूँ, वरना 1, 2, 3 हो सकता था, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी जो है वो किस तरह से इवॉल्व होती है, किस तरह से उसकी इवोल्यूशन हुई, और इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला जो है डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान ने जो है बहुत सारे नंबर ऑफ चैलेंजेस को फेस किया, इसके अलावा जो है कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री रूल जिसमें आता है, और वीक गवर्नेंस को जो है उसकी डेमोक्रेसी में उसने जो है वो पूरा फेस किया हुआ है। इसके बाद जो है पाकिस्तान ने जैसे ही इंडिपेंडेंस पाई 1947 में, तो उसका जो मतलब इनिशियली जो स्टेज था, इनिशियली स्टेज में उसने पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेटिक 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बनाया, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, और न्यू न्यू मुल्क था उसमें सिस्टम को दिखाना समझाना, और जिस हालात से वो गुजर के बहुत सारी शहादतें और ये सारे जो उन्होंने सिनेरियो देखा था तो उसमें भी उनको थोड़ा सा टाइम लग गया। द फर्स्ट मिलिट्री कॉप जब पाकिस्तान में हुआ एंड प्लेस इन 1958, जब जनरल अयूब खान ने अपना जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट को हटा के खुद की गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करवा दी, जिसको हम डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इनकी तरफ से आई मिलिट्री कोप्स की वजह से, तो ये जो सिस्टम था उसका डेमोक्रेटिक सिस्टम और इंस्टीट्यूशन सिस्टम जो है पाकिस्तान का, इन इन्हीं कुछ वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब गया।
इसके बाद जो है द कंट्रीज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वर वीकेंड एंड पॉलिटिकल पावर वाज कंसर्न इन द हैंड्स ऑफ द मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज। तो इनकी नज़र जब सिस्टम हो गया तो बहुत ही स्ट्रिक्टनेस हो गई, और जब इसके बाद जो है वो जिस तरह से ट्रेड भी जो है वो भी थोड़ी सी रुक गई, और बहुत ज़्यादा सख्तियाँ और अपने हिसाब से वो चलाते थे, क्योंकि ये इस वजह से सिस्टम ख़राब हुआ क्योंकि जो मिलिट्री है उसका काम जो है वो डिफेंस करना है, उसका काम रूल रूल मतलब कि पॉलिटिक्स में मिलिट्री का कोई काम नहीं है, उनको हाथ में ये चीज़ें नहीं लेनी, क्योंकि यही चीज़ें जो हैं वो आगे जाकर पाकिस्तान के लिए थ्रेट भी बनी, और उसकी गवर्नमेंट और जो उसका सिस्टम है वो भी इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है वो हम थोड़ा सा पीछे हैं। फिर आता है हमारा टॉपिक नंबर एन, जो है कश्मीर डिस्प्यूट। कश्मीर डिस्प्यूट में ज़्यादातर इतनी डिस्कशन तो है वो मतलब कि ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो किसी को भी ना पता हो। ये जो है कश्मीर का डिस्प्यूट जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब से पाकिस्तान बना है तब से इनके दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। लॉन्ग लास्टिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ये, जो है जम्मू एंड कश्मीर के रीजन पर दोनों का है, कि दोनों इसे क्लेम करते हैं कि ये हमारे साथ हो जाएं, लेकिन जो है वो कश्मीर के मतलब कि पाकिस्तान ये नहीं कह रहा, हर कोई कहता है कि ओवरऑल जो भी इसके ख़िलाफ़ हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि ये हमारे पास आ जाए। पाकिस्तान ये चाहता है कि कश्मीरी पीपल्स जो हैं वो जिस तरह से अपने हिसाब से खुश हैं, अगर वो अपने ही टेरिटरी में रहना चाहते हैं, लेकिन वो एक आज़ाद मुल्क बन के रहें, वो मतलब कि कंजस्टेड कंबाइंड मतलब कि बाउंड ना हो इंडिया से, जिस तरह से इंडिया ने बिल्कुल ही उनको अपने लिए बाउंड कर दिया है और बिल्कुल भी उन पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, तो ये चीज़ें उनके लिए ना हों। तो पाकिस्तान का मकसद भी यही है कि वो जिस तरह से पाकिस्तान में हर कोई अपनी प्रैक्टिसेस कर सकता है, नॉर्मली जो है हर जगह जा सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिस तरह से कहा जाए, तो हर चीज़ इनको भी मुहैया हो। बहरहाल फिर है कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज गिवन द ऑप्शन टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। उनको पहले जो है कश्मीर को कहा गया था कि आपके पास ऑप्शन है कि आप या पाकिस्तान को ज्वाइन करें या इंडिया को ज्वाइन करें, तो इन्होंने दोनों को ज्वाइन नहीं किया, ये भी मतलब कि कहना चाह रहे थे कि हम खुद ही एक मुल्क रहना चाहते हैं। सो द कश्मीर डिस्प्यूट रिमेंस कंटेंटियस इशू विद बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान कंटिन्यूइंग टू क्लेम द रीजन एज देयर ओन। सो ओवरऑल ये डिस्प्यूट जो है वो ऑन गोइंग है, और यूनाइटेड नेशंस में भी बहुत बार इस डिस्प्यूट का डिस्कस किया गया है, लेकिन जो मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं ऑफ अमेरिका, ये सारा जो है वो यूनाइटेड नेशंस को फंड्स और ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, तो जब भी इनके कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो इस पर वो बात नहीं करते, क्योंकि इंडिया की बात आ जाती है और इंडिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है पाकिस्तान से, और इन पे काम भी मतलब कि बहुत ज़्यादा पड़ते हैं अमेरिका के, तो इन चीज़ों की वजह से भी वो जो है हमेशा कश्मीर पे जो कहता इंडिया भी कहता है कि यहाँ इस पे बात नहीं करो, कुछ किसी के बारे में बात करो लेकिन कश्मीर के बारे में मुझसे बात नहीं करो। तो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स भी हुई इसके बारे में, डिस्प्यूट्स के बारे में, कश्मीर डिस्प्यूट, लेकिन इंडिया जो है वो इस पे कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता और कहता है कि मुझसे इस मामले में बात ना करे कोई भी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। ये हमारे तीन टॉपिक्स हो गए। इन टॉपिक्स के हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको ज़रूर उसका रिप्लाई देंगे। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हमारा टॉपिक जो है वो है टॉपिक नंबर ओ, जो है सिचुएशन इन अफगानिस्तान सिंस 1979 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान की क्या क्या सिचुएशन थी 1979 से लेकर, और उसके क्या इम्पैक्ट पड़े पाकिस्तान पे। सो जो अफगानिस्तान की सिचुएशन थी मतलब कि जब सोवियत यूनियन ने इन्वेजन की
इसके बाद जो है राइज ऑफ तालिबान, और इसके बाद लास्ट में ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो है कंट्रीज़ के दरमियान चल रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। तो ये जो है पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा इस पे इम्पेक्ट पड़ा, जो मतलब कि सोवियत यूनियन के साथ भी जिस तरह जो अभी हमारा रशिया है उसके साथ जो रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान के, तो वो भी इसी वजह से है कि जो है मतलब कि इस वॉर इन इस इन्वेजन की वजह से। फिर है कि उस पीरियड में जो है पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया, ये भी उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन गया उसकी कंट्री की, मतलब कि ये जो जो भी हमारे मसले मसाइल हो रहे हैं, ये टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो वो भी इसी की वजह से। अब मिलिटेंट ग्रुप दैट इमर्ज इन अफगानिस्तान इन दी मिड 1990s एंड इवेंचुअली टुक कंट्रोल ऑफ दी कंट्री। तो ये जो चीज़ें थी पास्ट में जिनकी वजह से अभी भी पाकिस्तान को जो है वो बहुत सारे जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो भुगतने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान इज हैज़ ऑल्सो बीन अक्यूज ऑफ सपोर्टिंग द तालिबान विच हैज़ स्ट्रेन इट्स रिलेशनशिप विद द अफगानिस्तान। सो पाकिस्तान भी जो है वो अपनी मर्जी से ऐसी चीज़ों में नहीं जाता, उसे भी बहुत ज़्यादा उसको, एक तो वो बिल्कुल ही अफगानिस्तान की साइड पे था, और दूसरा इसको बहुत ज़्यादा मजबूर किया गया था US की तरफ से कि अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी आपसे जंग करेंगे। तो उसे अपनी भी मतलब कि अपना भी बचाना था, अपने कंट्री के पीपल्स को भी बचाना था, तो वो इसमें कूद पड़ी। ठीक है, फिर आता है टॉपिक आपका ओ के बाद पी, जिसमें है कि पाकिस्तान के कुछ एनर्जी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करने हैं, उसके अलावा जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स और उसके फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स। पाकिस्तान के लिए जो एनर्जी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, वो सबसे पहले जो है वो पॉवर्टी, पॉवर्टी की वजह से जो है वो एनर्जी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। फिर उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। वो किस तरह से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब पॉवर्टी जो है वो पाकिस्तान का बहुत ही मतलब कि हाई रेट पे पहुंच चुकी है, और इस इशू को भी जब तक रिजॉल्व ना किया जाए, की प्रायोरिटीज को ना दी जाए, तो ये जो है मतलब कि प्रॉब्लम तो एनर्जी का प्रॉब्लम तो पॉवर्टी नहीं है, लेकिन पॉवर्टी की वजह से जो है वो एनर्जी का प्रॉब्लम इंक्रीज हो रहा है। पहला जो एजुकेशन, एजुकेशन भी एक क्रिटिकल फैक्टर है पाकिस्तान के लिए, जिसमें से सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स जो हैं उसके इम्प्रूव करने के लिए इसको अच्छा करना ज़रूरी है। फिर आता है हेल्थ, हेल्थ पे भी, हेल्थ भी जो है मतलब कि फॉर एग्जांपल बर्डन ऑफ डिजीज़ जब आ जाते हैं और उनको इम्प्रूव करना, और जो भी उसकी मतलब कि जो पीपल्स हैं, पॉपुलेशन है, उसको वेल बीइंग करना, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर है सैनिटेशन, एक्सेस टू सेफ वाटर, वाटर एंड सैनिटेशन इज अ क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ इशू इन पाकिस्तान। सो वाटर की जो मतलब कि स्कार्सिटी बढ़ गई है, तो ये भी पब्लिक हेल्थ के लिए जो है वो प्रॉब्लम, और ये मतलब कि अगर कहें कि थ्रेट भी है, क्योंकि अब UN की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में बहुत ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ जाएगी। तो मतलब कि ओवरऑल काम करने की चीज़ें, एनर्जी प्रॉब्लम्स को डिक्रीज करने के लिए ये जो पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन, एम्पावरमेंट फॉर वुमेन, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक करने करने से ही ये जो है दूसरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फ्यूचर में भी यही प्रॉब्लम्स जो हैं वो थ्रेट बन सकती हैं, और इसके अलावा इकोनॉमिकली भी जो है वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान फेस अ सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक बैरियर्स, एंड एम्पावरिंग वुमेन इज असेंशियल फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जिस तरह से मैन जो है वो डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है, तो वुमेंस भी जो हैं वो भी काम कर सकती हैं, तो उनको भी इक्वल प्रायोरिटीज दी जाए। ठीक है, इसके बाद आती हैं पाकिस्तान एनर्जी प्रॉब्लम्स में मतलब कि कौन सा जो लास्ट है, ह्यूमन एम्पावरमेंट का, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स जो हैं
वो ओवरऑल नहीं सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जो भी दूसरे ममालिक हैं उनमें भी प्रायोरिटी दी जाती है उनको. गवर्नमेंट कैन एड्रेस दिस इशू बाय स्ट्रेंथनिंग द रूल ऑफ लॉ, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. ह्यूमन राइट्स को सबसे पहले जो है वो प्रिवेल करने के लिए सबसे पहला रोल जो है वो गवर्नमेंट का है, जिसमें उनको रूल ऑफ लॉ और मतलब कि ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स और मुख्तलिफ पॉलिसीज उसको प्रिवेंट करने के लिए बनानी है. उसके साथ साथ ह्यूमंस का भी है कि वो आपस में एक दूसरे को राइट्स दें. मैं ओवरऑल सबको ब्लेम नहीं करूँगी, एक ही चीज़ को ब्लेम नहीं करूँगी कि उन्होंने ये नहीं किया. इश्यूज़ के साथ साथ मतलब प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती है, लेकिन हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए. फिर आता है एट द एंड ओवरऑल टॉपिक का कंक्लूजन, जो हमने सीएसएस में भी और पीएमएस दोनों में लिखना होता है. In conclusion, addressing socio-economic problems in Pakistan will require a multi-faceted approach that includes investment, infrastructure and human rights development, social safety net programs and policy reforms to promote inclusive growth and protect human rights. तो सबने साथ ही काम करना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट में भी लोग होते हैं वो भी एज अ पब्लिक ही होती है, पब्लिक में से ही जाते हैं. साथ मिलके काम करें और हमें हमें अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो डिक्रीज करनी है, ताकि हमारा जो मुल्क है वो डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन. इफ़ यू लाइक अवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. अब आता है हमारा टॉपिक नंबर आर है, जो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बाद जो है इसके कुछ अमेंडमेंट्स और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस वो डिस्कस कर लेते हैं. इसमें जो है हमने जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था पाकिस्तान का जो अडॉप्ट किया गया वो है था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत सारे सालों के बाद जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आ रहे थे पाकिस्तान को, क्योंकि एक न्यूली स्टेट था. तो इंडिया ने तो जल्दी बना लिया था, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा लेट हो गया. फिर सेकंड नंबर पे जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसकी कुछ जो आउटलाइंस हैं वो पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम के बारे में बात करती हैं, और इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट केसेस हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के वो हम थोड़े से चेक कर लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में से जो केसेस नहीं मतलब कि अमेंडमेंट्स अभी देख लेते हैं, फिर आप केसेस पे आएंगे. अमेंडमेंट्स में जो फर्स्ट अमेंडमेंट की गई, एट्थ अमेंडमेंट जो है वो ईयर्स के हिसाब से जो जो चीज़ें मतलब कि जो जो सिस्टम बनाया गया वो प्रेसिडेंट उनके हिसाब से चेंजिंग होती गई. एट्थ अमेंडमेंट फर्स्ट अमेंडमेंट थी, जिसमें जो था एबिलिटी टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली. प्रेसिडेंट को ये जो है पावर थी कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, और इसके अलावा कुछ अपॉइंटमेंट्स कर सकता है गवर्नमेंट की पोजीशंस में. सेकंड नंबर पे 17th अमेंडमेंट जो थी वो इंट्रोड्यूस प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ की तरफ से दी गई थी, और जो था द प्रेसिडेंट द पावर टू डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एंड डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता था कि मतलब कि इस अमेंडमेंट के हिसाब से प्रेसिडेंट के पास ये पावर था कि वो नेशनल असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकती है, और जो उसका प्राइम मिनिस्टर है उसको भी डिसॉल्व कर सकती है, मतलब कि उसको अपना राइट उसको था ये. फिर है 18th अमेंडमेंट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है. दिस अमेंडमेंट रिजर्व वे मैनी ऑफ द चेंजेस मेड बाय प्रीवियस अमेंडमेंट, इंक्लूडिंग प्रीवियस जो भी अमेंडमेंट थी इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी थी 18th अमेंडमेंट में. उसमें क्या था, रिड्यूसिंग पावर ऑफ द प्रेजिडेंट एंड स्ट्रेंथनिंग द रूल ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का जो रूल था वो स्ट्रेंथन कर सकता है, और इसके अलावा जो पावर्स थे वो प्रेजिडेंट से जो है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो गए, कि प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर्स जो है वो नहीं रही जो पिछले वाले अमेंडमेंट्स में थी. फिर है जो केसेस इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हुए, जिसमें सबसे पहला जो केस है वो है मौलवी ताजिमुद्दीन खान का फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक
इस केस में क्या था, दिस केस चैलेंज द रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बाय गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद एंड एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन पाकिस्तान। ये केस जो था वो रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली था जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की तरफ से था, और जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करनी थी नए प्रिंसिपल की जुडिशियल में। फिर है बेगम नुसरत भुट्टो का केस था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ था। दिस केस चैलेंज द मार्शल लॉ इम्पोज बाय जनरल जियाउल हक एंड अफर्म द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ओवर द मिलिट्री। ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नहीं, सिंपली केसेस हैं। तो जफर अली शाह का केस था थर्ड नंबर पे, जो परवेज मुशर्रफ के वेस था। दिस केस चैलेंज द लीगलिटी ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ कॉप्स एंड अफर्म द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इन पाकिस्तान। फिर आता है एट द लास्ट जो अभी बहुत ज़्यादा पानामा वाला केस, पानामा पेपर केस का। दिस केस इन्वॉल्व एलिगेशन ऑफ द करप्शन अगेंस्ट then Prime Minister Nawaz Sharif and his family and resulted in his disqualifying from holding public office. तो यहीं तक जो थे वो कुछ केसेस थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस कहे जाते हैं, जो इसके मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से केसेस किए गए थे। अब देखते हैं हम, हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक है वो है गवर्नेंस इश्यूज इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान में जो है सबसे पहला जो इशू है गवर्नेंस में, जो मेन फैक्टर अगर हम उसे कहें, तो वो है हमारा करप्शन। करप्शन जो है जिसमें भी किस चीज़ की करप्शन, मिस अप्रोप्रिएशन फंड्स की, और इसके अलावा मतलब कि लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एंड देन उसमें भी कौन कल्चर की इम्प्योरिटी, और इसके बाद जो है पब्लिक ट्रस्ट जो है वो इंस्टीट्यूशंस का ना होना पब्लिक के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिस तरह से अगर किसी मतलब ना होना किसी भी दरमियान, ये जो है कुछ इश्यूज है जिसमें से फर्स्ट जो था करप्शन मैंने डिस्कस किया, करप्शन में भी ये कुछ चीज़ें। उसके बाद जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में भी, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जो शुरू से पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशंस जो हैं वो बिल्कुल ही ख़राब जा रही हैं, जिसमें से मेन रोल जो है वो मिलिट्री कॉर्प्स ने प्ले किया, और इसके बाद जो है वो वीक सिविलियन गवर्नमेंट्स जो थी वो भी चलती आ रही हैं। जिस तरह से एक फॉर एग्ज़ाम्पल कि नवाज शरीफ का दौर आया था, फिर से बेनज़ीर भुट्टो का दौर आ गया, फिर से बेनज़ीर भुट्टो का, मतलब कि एक से ज़्यादा उनका टाइम पीरियड जो है वो टिक नहीं रहा गवर्नेंस का, तो ये भी जो है वो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए। फिर डिस्ट्रप्शंस गवर्नेंस प्रोसेसेस में, यही सेम, और इसके अलावा क्रिएट्स एन अनसर्टेन एनवायरनमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ये भी कुछ चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में जो है वो किरदार अदा करती हैं। फिर इसके बाद जो है लेक ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है वो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं किया जाता अप्लाई। जिस तरह से अगर हम दूसरे ममालिक का सिस्टम देखें, अगर आप सऊदीया का ही सिस्टम देख लें या किसी भी मुस्लिम मुल्क का, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो उनमें रूल ऑफ लॉ जो है वो मेन इम्पोर्टेंस रखता है। तो हमारे मुल्क ने ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं गवर्नेंस में। फिर हम कहते हैं कि गवर्नमेंट अच्छा नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिनको रिजॉल्व भी जो है हमने सबने साथ में करना है, ऐसे नहीं कि सब पे इल्ज़ाम लगा दें और हम साइड पे होके बैठ जाएं, ये नहीं होगा। फिर पाकिस्तान जो है वो मल्टीपल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान की गवर्नेंस के, जिन पे जो इम्पैक्ट है वो किन चीज़ों की वजह से पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और एबिलिटी टू अपहोल्ड फंडामेंटल राइट्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है हमें, जिसमें सबसे पहले डिस्कशन जो है वो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी पे आएगा, कि हर सिस्टम में जो है अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत लाजिम होती है। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, तो उसके बड़े से लेकर लास्ट तक अगर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ना किया जाए या अकाउंटेबिलिटी ना रखी जाए कि कौन किस तरह से काम कर रहा है, अपना काम कोई सही से कर रहा है या नहीं कर रहा, तो सारा मैकेनिज्म जो है वो तबाह हो सकता है इसी वजह से। तो ये एक तो अकाउंटेबिलिटी की कमी है
और इसके अलावा पब्लिक ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स पर नहीं है। जिस तरह से अगर इंसाफ के लिए अगर कोई चाहता है कि वो कोर्ट में जाए, तो उसमें भी जो है वो इंसाफ उनको नहीं मिलता जो मजलूम है, बल्कि जालिम जो है वो इंसाफ के लिए मतलब कि दिखाते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है कि हमने ये मतलब ये किसी गरीब को जो है वो कम करना और जो जो अमीर है वो उनको ज़्यादा इंसाफ मिलना, सारी चीज़ें कुछ हैं ऐसी। और फर्दर हम इतना डिटेल में जाके कुछ नहीं कहना चाहते, जनरल बात है कि जो है सिंपली अकाउंटेबिलिटी की ओवरऑल हर इंस्टीट्यूट में कमी है, और एंटी करप्शनिस्ट जिस तरह से नैब और दूसरे इदारे काम कर रहे हैं, तो इनको इनमें भी जो है वो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। जिस तरह से अगर वो काम करते हैं फिर उन्हीं को कहा जाता है कि वो भी करप्ट हैं और वो जो है वो फेवरेटिज्म पे काम कर रहे हैं। फिर है फंडामेंटल राइट्स, बैक टू बेसिक फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी राइट्स हैं ह्यूमंस के वो दिए जाएं, जिसमें से वर्ल्ड पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन और इक्वालिटी जिसकी बेस पे पाकिस्तान बना था, वो जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए सबको। बिफोर द लॉ देयर आर द चैलेंजेस इंश्योरिंग दीज राइट्स एंड अपहोल्ड इन प्रैक्टिस, इशू सच एज फॉर एग्जाम्पल कि ब्लास्फेमी के लॉज और रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम पे जो औरतों पर जो है वो देहाती उसमें लगाई जाती, देहाती इलाकों में लगाई जाती है कि वो पढ़ नहीं सकती या फिर इतना नहीं पढ़ना, तो ये चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंस रखती हैं गवर्नेंस में। फिर है वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट करनी चाहिए। अगर आप रिसेंटली एग्जांपल्स लें कि सऊदीया जैसा मुल्क जो हमेशा से वुमेंस को जो है वो पर्दे में रखता था और ज़्यादा वो जो थी इन्वॉल्व नहीं होती थी किसी मामला में, लेकिन अगर अभी आप जाके देखें तो हरम पाक में और इसके अलावा एयरपोर्ट्स और दूसरे सिस्टम में भी वुमेंस को बहुत ज़्यादा एम्पावर किया गया है, उनको एम्प्लॉयमेंट दी गई है और ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए आसानियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान जो है वो जेंडर डिस्पैरिटीज़ को फेस कर रहा है, बहुत सारी जेंडर डिस्पैरिटीज़ को, जिसमें से एजुकेशन में भी औरतों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एम्प्लॉयमेंट में और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी ज़्यादा सीट्स जो हैं वो वुमेंस को नहीं मिलती। फिर है एफर्ट्स टू प्रमोट वुमेंस एम्पावरमेंट इंक्लूडिंग इनिशिएटिव्स टू इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन, तो करने के तो बहुत कुछ हम कह सकते हैं कि इनिशिएटिव्स लेते हैं, और जो है ज़्यादातर गवर्नमेंट तो अपनी पॉलिसीज़ और ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, लेकिन आगे हमारा भी कुछ काम है जैसे कि फैमिलीज़ का और एजुकेशन का फैलाने का, प्रमोट करने का। तो एवरी इंडिविजुअल जो है वो पाकिस्तान में वो भी अपना अगर किरदार अदा करें तो मुल्क जो है वो आगे जा सकता है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको SDGs कहते हैं। पाकिस्तान इज़ कमिटेड टू अचीव दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये कुछ गोल्स मिले हुए हैं कि वो अपनी जो है वो बेसिक जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी करे, और जो यही गोल्स अगर वो अचीव कर लेता है तो वो डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा बढ़ सकता है या डेवलपमेंट उसकी अच्छे से हो सकती है। जिसमें से सबसे पहला जो उसको दिया गया है गोल वो है पॉवर्टी को एलिविएट करना, गुर्बत को ख़त्म करना अच्छे तरीके से, ये गुर्बत बिल्कुल भी ना रहे कंट्री में। इसके अलावा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जिसमें क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करना, और एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन कि हेल्थ का भी जो है वो ख्याल रखना लोगों की, और एजुकेशन को भी प्रमोट करना और एजुकेशन के लिए एफर्ट्स करना। तो ये कुछ यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दिए गए हैं, अगर मैंने यूनाइटेड स्टेट्स बोल दिया हो तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एफर्ट्स टू एड्रेस दीज चैलेंजेस रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड एक्शंस अक्रॉस गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड द प्राइवेट सेक्टर। तो ओवरऑल जो भी मतलब कि प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी, इन सब का काम है और गवर्नमेंट का भी, कि ये आपस में कोऑर्डिनेशन करके जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं इन गोल्स को अचीव करने में उनको ओवरकम करें और जो है वो अपना अपने गोल्स जो हैं वो कंप्लीट करें। सो दैट्स ऑल फॉर पाकिस्तान स्टडीज़ PMS सेलेबस। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।